और पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी और पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी इस तारातन की मत नर पूछो दुख से भरी कहानी पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी उदास मने इस दुनिया में मुश्किल हो रहे पूरे करने सास बने हद से ज्यादा दुखिया रे न्यू आवे है विश्वास मने हरी शरण में आया गुरु चाहे फेल करो चाहे पास मने हरी शरण आदरणीय सचिन फौजी जी डिगरिया से दोनों को 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो जोरदार ताली होती है एक समय होता है और आज वो समय मुझ पर है टोटे की भी हद हो गई टोटे में इकलौता लाल जो मुझे गिरवी धरना पड़ गया मेरे क्या पूछ के लोगे लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि अब जिस दरबार में आप आ चुके हो वहां सदैव मौज हुआ करती है अच्छा कह दीजिए अपनी बात को महाराज कितने बालक घर में है ना भेद बात का पाया में इकलौता था लाल गुरु जिस गिरवी धर के आया मैं घबराने की बात नहीं इब कर दू मन का चाहया में आज कोटी नहीं पास मेरे कद खेलू था धन माया में आज कोटी नहीं पास मेरे कद खेलू था धन माया में अब मौज करो छत्तर छाया में ये साधु की वाणी ओ पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी और पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी परमादरणीय जयपाल सिंह जी फरासपुरा से परमादरणीय जयपाल सिंह जी फरासपुरा से वो भी हम दोनों कलाकारों का 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं महाराज 13 साल हो गए आज तक पता नहीं है जब से गिरवी धर कर आया हूँ बेटे को आप पुण्य में मन सम्मान
अमल सेठ के यहाँ मैंने अपना बेटा गिरवी धरा था और आज ये समय है, ये टोटा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। तेरे साल का लंबा सफर अभी तक यही नहीं पता है कि बेटा कहाँ है, कैसा है, बिल्कुल नहीं पता में है। बिल्कुल नहीं पता है मुझे, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। मेरी बात को सुन और जो मैं दीजिए हमारे प्रश्न के उत्तर दे। बेटा गिरवी धरा कहाँ तन मोटा चाला कर राख्या, तेरे हो गए साल लाल मन हपुड़ गिरवी धर राख्या, उस होनी ने थरे साथ में जुलम उड़ाड़ा कर राख्या, झूठ नहीं है बात नाथ दुख सारे डबका भर राख्या, झूठ नहीं है बात नाथ दुख सारे पास में आया हूँ। ये समय समय के खेल हुए करते हैं सेठ जी, अब वही समय आपका आने वाला है जो कभी पहले सेठों की गिनती में आपका नाम लिया जाता था, दोबारा से वही गिनती हो जाएगी। आज ये साधु तुम्हें एक वचन देता है कि कल सुबह जब आप आओगे, जो मेरा धूना है इसमें जैसे ही हाथ मारोगे, इस धूने से तुम्हें तुम्हारी गरीबी दूर करने का सौदा मिल जाएगा। रागनियों के मशहूर कवि जो आज हमारे बीच में नहीं है, गुरुजी सतपाल मैनपाल जी इन रागनियों को गाया करते थे। सेठ ताराचंद का किस्सा बड़ा फेमस किस्सा हुआ था। महान गुरु लड्डन सिंह जी जिन्होंने रागनियां लिखी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत जरूर कर दो, जोरदार तालियों से। लास्ट कली के माध्यम से क्या दर्शा दिया भला, पहले जैसे हुक्म मिले तारा चंद गया टूट गुरु ना इससे ज्यादा कष्ट झिले, उनका साथी राम बने जो सत के पथ से नहीं हिले, लड्डन सिंह राजबल हटके फिर चमन में फूल खिले, लड्डन सिंह राजबल हटके फिर चमन में फूल खिले, बहुत बहुत धन्यवाद।